नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेनू वैद आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक को पढ़ा रही हूँ। और राजनीति विज्ञान में मैंने आपको सबसे पहले संविधान वाला जो मैटर है उसको लिया है, भारतीय शासन एवं लोकतंत्र वाली जो आपकी इकाई है उसको लिया है। उसमें पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया और आपके सामने दूसरा चैप्टर चल रहा है। और दूसरे चैप्टर में हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ लिया था, अधिकारों के बारे में चर्चा की थी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और लास्ट आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या है वो देखते हैं। देखो बच्चों, जो 5 आपके अधिकार हैं उन 5 अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। इसके अलावा बच्चों आपने नाम भी सुना होगा, भीमराव अंबेडकर। किसका नाम सुना है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होता तो संविधान शून्य हो जाता। संविधान का कोई औचित्य नहीं होता अगर संविधान में क्या नहीं होते, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होता। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। और कहा है कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा तो ये संविधान क्या हो जाएगा, शून्य प्राय हो जाएगा। तो आप ये तो समझ ही गए हो कि 5 अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा, या मान सकते हो कि 5 अधिकार तभी क्रियान्वित हो सकते हैं जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। वैसे हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 5 अधिकारों को प्रोटेक्शन देता है। ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस हमारे मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो 5 लेख जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। किसको न्यायालय को दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का नाम सुना होगा बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय। आगे के चैप्टर्स में भी जिसको हम पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय की जो सर्वोच्च संस्था है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान जो है अखिल भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें बच्चों तो सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आपका किसका उल्लेख मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय जिसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है उसका उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आता है बच्चों उच्च न्यायालय। क्या आता है? उच्च न्यायालय। राज्य में न्याय प्रदान करने का कार्य उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है। किसमें है? भाग 6 में है बच्चों। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत इन 2 न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। कौन कौन से न्यायालय को? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार
दिया है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय को केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित ही रिट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया, अन्य मामलों में भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। अब बात आती है कि ये दोनों जो रिट जारी करते हैं उसके अंतर्गत 5 लेख जारी कर सकते हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये 5 रिट हैं बच्चों। पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट है आपकी परमादेश, तीसरी रिट है आपकी प्रतिषेध, चौथी रिट है आपकी उत्प्रेषण और पांचवी रिट है आपकी अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हमारा संविधान देता है ताकि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके। इसीलिए बच्चों सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। अब बात आती है सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। देखो बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता है बच्चों गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में ये बात कही गई है। उसमें ये बात भी कही गई है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर किसी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, किसी अपराधी को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में उपस्थित करना पड़ेगा। न्यायालय में क्या करना पड़ेगा? उपस्थित करना पड़ेगा। ये हमारा अनुच्छेद क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कहता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि अगर मान लो उस व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया किसी कारणवश पुलिस ने, तो पुलिस का ये दायित्व है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को न्यायालय में उपस्थित करे। और अगर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जाता तो जो लेख जारी किया जाता है बच्चों उसी लेख को कहते हैं आप बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो समझ में आया बंदी प्रत्यक्षीकरण कि 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय में उपस्थित करना पड़ेगा और अगर नहीं किया तो जो लेख जारी किया जाता है उसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है बच्चों परमादेश। परमादेश का मतलब यह है यहां पर कोई भी लोक सेवक अगर मान लो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है बच्चों, तो उसके विरुद्ध जो लेख जारी होता है सार्वजनिक कर्मचारी लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो लेख जारी होता है बच्चों उसी को हम कहते हैं परमादेश। ठीक है, फिर आता है परमादेश जिसको मैंडेमस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आता है आपका बच्चों प्रतिषेध। क्या है प्रतिषेध? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों कि मान लो सर्वोच्च न्यायालय, ये न्यायिक रिट है। कौन सी रिट है बच्चों? न्यायिक रिट है। कौन सा? प्रतिषेध एक न्यायिक रिट है। ये कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश दे सकता है कि आप इस वाद को वही की वही रोक दो। वाद को, किसी भी वाद को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट या मान सकते हो हाई कोर्ट
अपने अधीनस्थ न्यायालय को, अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी वाद को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है बच्चों, उसी को बोलते हैं प्रतिषेध या प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है बच्चों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण देखो बच्चों, प्रतिषेध उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय की ओर जाता है, रोकना है। उत्प्रेषण का मतलब है कि निम्न न्यायालय में आप मान सकते हो बच्चों अधीनस्थ न्यायालय, निम्न न्यायालय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को कोई मामला भेज रहे हैं, किसी मामले को भेज रहे हैं कि निर्णय यहां पर नहीं हो पा रहा है, तो उस समय जो रिट जारी की जाती है बच्चों, उसी को बोलते हैं आप उत्प्रेषण। ठीक है, तो प्रतिषेध जो जारी की जाती है वो निर्णय के पहले की जाती है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में जब वाद का निर्णय हो रहा होता है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को कह सकता है कि ये चीज आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को है यहाँ पर, और यहाँ पर रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? निम्न न्यायालयों के पास है। निम्न न्यायालय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट पे क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले से संबंधित रिट जारी कर सकते हैं। समझ आ गया? तो ये पांच रिटें हुई, चार रिटें हुई, पांचवी है बच्चों अधिकार पर्चा। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, सेंट्री ओरारी जिसको कहते हैं। अगर कोई भी सरकारी, गैर सरकारी निर्वाचित, अगर कोई भी अधिकारी ऐसा है जो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है बच्चों, तो उस समय उस व्यक्ति के विरुद्ध जो रिट जारी की जाती है उसी को अधिकार पृच्छा के नाम से जाना जाता है। अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करने पर जो लेख जारी किया जाता है उसी को बोलते हैं बच्चों अधिकार पृच्छा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत पांच लेख जारी किए जाते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर अंदर अगर न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जाता है तो उस समय जो लेख जारी किया जाता है वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी और लोक सेवा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस समय जो लेख जारी किया जाता है उसी को बोलते हैं परमादेश। तीसरा है आपका प्रतिषेध। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय में आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय की तरफ किसी भी वाद को रोकने के लिए जो रिट जारी करते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं प्रतिषेध या प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका उत्प्रेषण। निम्न न्यायालयों के द्वारा उच्च न्यायालय में किसी भी मामले को भेजने के लिए जो रिट जारी की जाती है बच्चों, उसी को कहते हैं आप उत्प्रेषण। ये प्रारंभिक अवस्था में होता है और ये उत्प्रेषण अंतिम अवस्था में दिया जाता है। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही न्यायिक वाद है, न्यायिक लेख है। ये केवल न्यायिक क्षेत्र में लागू किया जाता है और बाकी जो तीन है वो व्यक्तियों के विरुद्ध लागू किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका क्या अधिकार पृच्छा। अगर कोई सरकारी या निर्वाचित लोक सेवक है तो वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है बच्चों। मान लो कोई सेकंड ग्रेड का टीचर है, सेकंड ग्रेड जितनी वो योग्यता नहीं रखता है तो बच्चों वो अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है, उसके विरुद्ध जो रिट जारी हो सकती है उसी को बोलते हैं बच्चों अधिकार पृच्छा। तो आज आपने इन पांचों जो लेख है उनके बारे में पढ़ा और ये पांचों लेख जारी करने का पावर सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है, ताकि हमारे संविधान का जो मौलिक ढांचा है
वो जो का त्यों बना रहे, संसद उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सके। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। आपने 6 मौलिक अधिकारों की बात सुनी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा कि इस अधिकार के बिना मौलिक अधिकार शून्य पड़ जाएंगे, संविधान शून्य पड़ जाएगा। ऐसा कहते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 मेंबर थे। कन्हैयालाल मुंशी, गोपाल आयंगर साहब थे, कई मेंबर जो है माध्वाचार्य थे, कृष्णामचारी थे, ये इसके सदस्य माने जाते हैं, इसके प्रारूप समिति के, जो कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब बात आती है कि आपने अनुच्छेद 32 तक तो पढ़ लिया, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 33 तक है, तो 33, 34 और 35 में ऐसा क्या है? तो देखो बच्चों, सशस्त्र बलों, पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सदस्य हैं, उनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, संसद उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, ऐसा कहना है आपका अनुच्छेद 33 का। इसके अलावा अनुच्छेद 34 ये कहती है कि मान लो किसी भी क्षेत्र जो सशंकित इलाका है, आतंकवादी इलाका है, वहां पर सैन्य बलों, पुलिस बलों, मिलिट्री, उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र की जांच पड़ताल की जा सकती है, गोली चलाई जा सकती है, इसका अधिकार आपका कौन देती है? संसद इसका अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 35 ये कहता है कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो केवल कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, उच्च न्यायालय या न्यायिक क्षेत्र का ये कार्य नहीं है। उच्च न्यायालय या राज्य सरकारों को इसका कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। तो समझ में आया 33 में क्या है? सशस्त्र बलों, पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारों को कम कर सकती है कौन? संसद, ये कहता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 कहता है किसी भी क्षेत्र की तलाशी ले सकता है, किसी भी क्षेत्र की तलाशी ले सकता है और संसद इसके लिए कानून बना दे तो वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, ये कहना है आपका अनुच्छेद 34 का। अनुच्छेद 35 कहती है कि मूल अधिकारों के संबंध में पावर संसद को ही दिया गया है, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन मौलिक अधिकारों में नहीं कर सकती है, ऐसा कहना है आपका अनुच्छेद 35 का। तो आपने 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस किया बच्चों। तो आपको एक बार शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं इन अनुच्छेदों के बारे में बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आप अपन एक चीज देख लेते हैं, मूल अधिकारों का मूल्यांकन। देखो बच्चों, मूल अधिकारों का मूल्यांकन, मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दिए, उसके कई नेगेटिव पॉइंट भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जैसे निवारक निरोध जो अधिनियम आया, उस निवारक निरोध अधिनियम का काफी विरोध किया गया, काफी लोगों ने कहा कि हम तानाशाही राज्य की ओर जा रहे हैं, पुलिस राज्य की ओर जा रहे हैं, हमें स्वतंत्रता, एक हाथ से स्वतंत्रता दी है और दूसरे हाथ से हमें छीन ली जाती है, तो ऐसी मौलिक अधिकार देने का फायदा ही क्या? तो लेकिन फिर भी आज भी हमारे मौलिक अधिकारों का महत्व है, समानता के लिए, लोकतंत्र के आधार स्तंभ के लिए, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए, लोगों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों का महत्व है, लेकिन कुछ कमियां भी मौलिक अधिकारों में है, वो देखते हैं। प्रतिबंध, मैंने आपको बताया समानता का अधिकार मिला हमें 14 से लेकर 18 तक, लेकिन आप सबको पता है 16 में ये बात कही गई कि 16-4 के अंतर्गत हमने आरक्षण का प्रावधान कर दिया, क्या कर दिया?
आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसके अलावा आप स्वतंत्रता के अधिकार में जाओगे तो लोक व्यवस्था, अखंडता, राष्ट्र की एकता, कई कारणों को मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जो छह प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, विचार व अभिव्यक्ति, सम्मेलन, सभा, भ्रमण, निवास, व्यवसाय, ये सब जो स्वतंत्रताएं जो है वो निलंबित की जा सकती है। और आप सब ये भी जानते हो अनुच्छेद 358, नाम भी सुना होगा बच्चों, और अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 ये कहता है बच्चों कि आपातकाल के समय स्वतंत्रता का अधिकार जो अपने मौलिक अधिकार है वो अपने आप ही निलंबित हो जाएंगे। और अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के समय किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन बच्चों 44वें संविधान संशोधन के तहत ये बात कही कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का कभी भी निलंबन नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का कभी भी निलंबन नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 358 ये बात कहता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है आपातकाल में। तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे हमने क्या लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। इसीलिए मौलिक अधिकारों की आलोचना समय समय पर होती रही है। सामान्य परिस्थितियों में भी नजरबंद, आपने देखा निवारक निरोध अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में जो अध्यादेश लागू हुआ उसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर नजरबंद किया जा सकता है। तो सामान्य परिस्थितियों में भी किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इसीलिए हरि विष्णु कामत ने भी ये बात कही है कि तानाशाही राज्य व पुलिस राज्य की ओर हम मुड़ रहे हैं। ये बात हरि विष्णु कामत ने कही, ये कोटेशन याद रखना। और कक्षा 12 के विद्यार्थियों, जैसे ही जो नोट्स मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ उनको ध्यान से सुने, समझे और एक कॉपी बना लीजिए, उसमें ये शॉर्ट नोट्स लिखते जाइए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। बेसिक चीजें हैं जो आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे बच्चों। फिर आता है व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा नहीं। आपने देखा अनुच्छेद 33, 34 और 35, ये तीनों संसद को मौलिक अधिकारों पर क्या देते हैं, ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, व्यवस्थापिका को ज्यादा पावर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार व्यवस्थापिका की निरंकुशता से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करते। संसद किसी भी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा सकती है, संसद किसी भी क्षेत्र पर निवास की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है। तो व्यवस्थापिका की निरंकुशता से हमें सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। राजनीतिक विरोधियों के स्वर के रूप में आप सब जानते हो समानता, स्वतंत्रता, ये जो अधिकार हमें मिले हैं, कई बार राजनीतिक विरोधी इन्हीं मौलिक अधिकारों का सहारा लेकर राजनीति करते हैं और लोकतंत्र को आघात पहुंचाते हैं। फिर आते हैं वोट राजनीति। आपने देखा बच्चों कि हमारे संविधान के 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है, 15(3) और 4 में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की बात कही गई है। और इसी आरक्षण का फायदा उठाकर आप सब जानते हो आज वोट राजनीति चल रही है। जाट नेता को वोट दे रहा है, ब्राह्मण नेता को वोट दे रहा है, वैश्य को वोट दे रहा है। तो ये राजनीतिक विभिन्नता, जातिवाद पैदा कर दिया है इन मौलिक अधिकारों में आरक्षण की व्यवस्था ने। तो इस आधार पर भी मौलिक अधिकारों का क्या होता है, विरोध किया जाता रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप सब जानते हो बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद
24 में देखने को मिलता है। उसमें ये बात कही गई है, क्या कही गई है कि स्त्री और पुरुष महिला सबको शोषण से मुक्ति दी जाएगी। लेकिन आज भी आप समाज में ऐसे कई उदाहरण देख सकते हो कि आज भी महिला सुरक्षित नहीं है, आज भी एक बच्चा सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ दहेज उत्पीड़न, घरेलू उत्पीड़न और अभी जो सिलसिला चल रहा है वो कई ऐसे भ्रूण हत्या, कई ऐसी चीजें हो रही है जो हमारे मौलिक अधिकारों पर कटाक्षेप करती है कि मौलिक अधिकारों में अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत है। न्यायिक सुरक्षा में असफल, आप सब जानते हो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, 5 लेख जारी किए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों आज भी गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे भारत की न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही मंद गति से चलती है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भी वो अच्छे से न्यायिक सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही ढीली ढाली है। तो आपने देखा मौलिक अधिकारों के मूल्यांकन में प्रतिबंध लगे हुए हैं मौलिक अधिकारों पर। दूसरा, सामान्य परिस्थितियों में भी नजरबंद कर दिया जाता है। व्यवस्थापिका की निरंकुशता से मौलिक अधिकार हमें सुरक्षा नहीं देते हैं। राजनीतिक विरोधियों के स्वर के रूप में मौलिक अधिकारों को यूटिलाइज किया जाता है। मौलिक अधिकारों में जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे वोट राजनीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार स्त्री और महिलाओं या बच्चों को सबको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन आज भी ये प्रभावशाली नहीं हो पाया है। आज भी बच्चों का शोषण हो रहा है, उनको कारखानों और खदानों में काम करवाया जा रहा है, घरेलू क्षेत्रों में उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और स्त्रियों के साथ भी घरेलू उत्पीड़न हो रहा है, दहेज उत्पीड़न हो रहा है। कई ऐसी चीजें हमारे समाज में देखी जा सकती है। फिर आता है बच्चों न्यायिक सुरक्षा में असफल। आप सब जानते हैं बच्चों कि आज भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही लंबी जटिल है। न्यायिक प्रक्रिया जटिल होने के कारण आज भी मौलिक अधिकारों से हमें सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है बच्चों। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में हम रिट जारी की जा सकती है। तो आज आपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार और मूल अधिकारों के मूल्यांकन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उनके शॉर्ट नोट्स में एक बार और समझाऊंगी। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और शॉर्ट नोट्स को कॉपी में लिखे। और कक्षा 12 के विद्यार्थी जो कि मेरा राजनीति विज्ञान के इन टॉपिक्स को देख रहे हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें ताकि मैं आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें। धन्यवाद। और आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के शॉर्ट नोट्स। धन्यवाद।